नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए मैं आज फिर से 10th क्लास का एक टॉपिक जो हमारा चैप्टर 17th चल रहा था मीन मोड मीडियन, क्लास 10 पे यहां पर ध्यान दें आप। मीन मोड मीडियन मैं आपको मोड और मीडियन एक्सप्लेन कर चुका हूं, आज मीन का टर्न है, मीडियन और मोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपने तैयार भी किया होगा, पर तैयार ऐसा करना कि 101% आपको आए, क्योंकि ये सवाल 100% एग्जाम में आने वाला है। आइए देखिए, यहां आज मैं आपको मीन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। चैप्टर 17 आज का टॉपिक है माध्य मीन, क्लास 10th के लिए। सभी स्टूडेंट्स देखिए, किस प्रकार के सवाल का, वर्गीकृत बंटनों का माध्य ज्ञात करना है। यहां माध्य निकालने की तीन विधियां हमारे पास है। पहली है प्रत्यक्ष विधि, आइए मैं यहां लिख दूं एक मिनट के लिए। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है इसको पद विचलन भी कहते हैं, और पद विचलन 20 का नाम है स्टेप डेविशन। तीन विधियों से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं, मीन ज्ञात कर सकते हैं, एक्स बार निकाल सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड, और थर्ड था स्टेप डेविशन मेथड, पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों से आप दिए गए सवाल को कर सकते हैं। जैसे यहां सवाल में किसी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, सवाल यह है, ये सवाल है। सवाल में किसी विधि का नाम नहीं लिखा है तो आप कोई सी भी विधि से सवाल हल कर सकते हो, तीनों में से जो आपको आ रही है, जो आपको अच्छी लग रही है। पर मैं सवाल को कौन सी विधि से करूंगा, पद विचलन से, स्टेप डेविशन से करूंगा। गुरुजी क्यों करोगे इसे, क्योंकि इससे सवाल में गलती होने के चांस सबसे कम रहते हैं और जल्दी होता है सवाल, इसलिए कोई भी विधि का नाम नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप पद विचलन विधि से ही करें, ताकि आप सवाल आसानी से कर सके, गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। आओ देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कितना इजी है पद विचलन विधि। ये तीनों विधियां आपने यहां देख ली होगी, एक बार गौर करें इधर। अब इधर आइए, सवाल स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहां सवाल लिखा है, सवाल हल कर रहा हूं। पहला स्टेप रहेगा सारणी, और मैं आपको बता दूं जितना मैंने लिखा है उतना आपको पेपर में मिलेगा, वर्ग मिलेगा, और बारंबारता एफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो मैंने यहां पर उतार दी। सारणी में ये काम किया, सारणी में माध्य ज्ञात करते वक्त सारणी को और भी आगे बढ़ाया जाता है, और उसमें क्या बनाया जाता है, सारणी का ही मेन रोल रहता है माध्य में। मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, जब मैंने बहुलक ज्ञात करना सिखाया था उस समय कहा सारणी में नो चेंज, सारणी में नो चेंज, और जब माध्यक मैंने आपको सिखाया था तब मैंने कहा ओनली सारणी में क्या बनेगी, सीएफ। और अब जब मैं माध्य सिखा रहा हूं, इन सबको नोट रखें आप, पहचान रखिए। कई बच्चे क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करना है और उसमें सीएफ बना देते हैं, कई माध्य ज्ञात करना है उसमें एक्स निकाल देते हैं, इन गलतियों के नंबर कटते हैं। सवाल का आंसर आपने चाहे सही निकाला है, सवाल का आंसर चाहे आपने पूरा सही सही किया है, उत्तर मिल रहे, परंतु यदि आपने थोड़ा सा भी ऐसा लिख दिया तो नंबर कटेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि बहुलक में नो चेंज, कुछ नहीं करना है, जितना सवाल मिला उतना ही रखना है। माध्यक में केवल सीएफ बनानी है, और माध्य में क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकालना है, एक्स को मध्य मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य मान, मिड वैल्यू।
मिड वैल्यू को। दूसरा स्टेप इसमें, यहां स्टेप डेविएशन इसलिए u निकालना होगा, u बराबर x माइनस a बटा h होता है। फिर एफ यू तीसरा स्टेप रहेगा, एफ यू ज्ञात करना है। अभी सारे मैं आपको करना बताऊंगा, पर ये भी आप नोट कर ले, बहुलक में नो चेंज, सारणी जितनी दे रखी है उतनी रखनी है, कोई चेंज नहीं करना है। माध्यक में केवल सीएफ बनाना है और कुछ नहीं करना है। माध्यक ज्ञात करेंगे तो पहला काम सारणी को बढ़ाना है, पहला काम क्या करना है एक्स निकालना है, फिर यू ज्ञात करना है और फिर एफ यू निकालना है। ध्यान देगा आपको। आइए मैं सारणी में चेंज करता हूं, किसके अकॉर्डिंग वापस से यहां पर फोकस करें एक बार, किसके अकॉर्डिंग, माध्य के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज करना वो देखिए। आइए मैं सारणी को आगे बढ़ाता हूं। माध्य के अनुसार सारणी में सबसे पहले मिड वैल्यू मध्य मान ज्ञात किया जाता है। यहां आ जाइए साहब, मध्य मान एक्स बोलते हैं उसको, एक्स आई भी लगाते, ऐसा भी लगाते, कोई ऐतराज नहीं, एक्स लिख दो एक्स आई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारणी चल रही है, मध्य मान एक्स कैसे ज्ञात करते, गौर फरमाए सभी लोग, पूरा पूरा फोकस रखें। यहां ये वर्ग है, ये इसकी निम्न सीमाएं हैं, ये इसकी उच्च सीमाएं हैं, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आया 35 आया, 35 आया, उसका आधा करेंगे, निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर जितना आया उसका आधा करेंगे, 35 का आधा 17.5 होता है। पहला एक्स आ गया, पहला मध्य मान आ गया। फिर यहां आया 25 और 40 जोड़ा 65, 65 का आधा, क्योंकि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, जोड़ने पर जितना आता उसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, दो का भाग लगाएंगे, तो दोनों को जोड़ने पे आया 65, 65 का आधा होगा 32.5। फिर देखिए आगे, 40 प्लस 55 ये हो गया 95, आधा करो इसका ये आएगा 47.5। फिर देखिए यहां पर 55 और 70 125, 125 का आधा करो साहब 62.5। फिर रहा 70 और 85 155, 155 का आधा करो साहब 77.5। फिर देखो 85 और 100 185, 185 का आधा करो 92.5। ये एक्स निकल गया, मध्य मान निकल गया। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा मैं एक बार इसको गौर से देखें, मध्य मान निकालने का तरीका निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़े और उनका आधा करते जाएं, निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ा आधा किया, ये प्रोसेस लगातार। आपको एक इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं आप चाहो तो। पहला एक्स आप आराम से तसल्ली के साथ निकाल ले ताकि गलती नहीं हो, और फिर क्या करना है, फिर देखना यहां ये इस वर्ग के बीच में अंतर कितने का है, सबके बीच में देखो 15-15 का अंतर है, 15 का डिफरेंस है, तो पहले एक्स में 15 जोड़ो, 17 और 15 32, फिर 15 जोड़ो 47, फिर 15 जोड़ो 62, फिर 15 जोड़ो 77, फिर 15 जोड़ो 92। पहला आराम से दोनों को जोड़ के दो का भाग देकर आधा करके आराम से लिख दो, गलती नहीं हो, फिर सबको जोड़ के आधा करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव हो गया आपका, जितना वर्ग का अंतर अलग उतना उतना जोड़ते जाओ, आगे वाला आता जाएगा। ये हो गया मध्य मान एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या निकाला था, यू निकाला था, यू इज इक्वल एक्स माइनस ए बाई एच। जब भी आप, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जब भी आप पग विचलन विधि काम में ले, माना कल्पित माध्य साइड में लिख दे या ऊपर लिख दे सारणी के, ए बराबर पहला जो एक्स होता है उसको आप कल्पित माध्य माने। अब आपको बुक में और काफी ऐसे सवाल होंगे जब आपको दिखाया होगा कि सवाल का बीच वाला जो एक्स है उसको ए मानना सिखाया है,
या फिर बुक में मिलेगा, ऐसा एग्जाम्पल में मिलेगा, इसको मानना सिखाया। मैं ये कहूंगा इसको नहीं, धरती पर कोई भी संख्या है उसको आप कल्पित माध्य ए मान सकते हो, कोई भी धरती की संख्या रियल नंबर होनी चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, आंसर सेम आएगा। यदि 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 10 लाख ने 10 लाख तरह का ए माना है तो भी उत्तर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं आपको ये कहूंगा कि आप पहले एक्स को ही ए मानेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है, ये आदेश मान लीजिए आप कि आप इसी को मानेंगे। सर क्यों मानेंगे, उसका रिजल्ट आपको बताऊंगा कि जब इसको मानेंगे, पहले एक्स को ए मानेंगे, सवाल इतना इजी हो जाएगा कि कैलकुलेशन 0% करनी पड़ेगी। आइए एक इतना हो गया, और वर्ग का अंतराल, ये सवाल के स्टार्ट में सारणी के बगल में जगह रहेगी, वहां आप लिख सकते हैं, और बगल में जगह नहीं है तो आप सारणी के जस्ट ऊपर भी लिख सकते हैं, अंतराल कितने का है 15 का। आ जाइए आप, यू निकालना, मैं पहला यू सिखाऊंगा बाकी यस चलेंगे, और मैं कह रहा हूं निकालना है मत, आप तो कुछ कैलकुलेशन मत करना, आप तो यहां बिना किसी को पूछे 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख देना, 0 से स्टार्ट करना, जितने कॉलम है उनके आगे आप काउंटिंग लिख देना, कभी गलत नहीं होगा, आपको निकालने की देखने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी बताइए एक बार हम इसको निकालते ज्ञात करते स्टेप बाय स्टेप तो ये संख्या आती क्या? यस, आ जाइए। यू निकालने का तरीका एक्स माइनस ए बटा एच, एक्स इसके लिए निकाल रहे, एक्स हो गया 17.5, ए कितना लिया आपने, मैंने कहा ए लेंगे आप पहले एक्स को, वो भी 17.5, एक्स भी 17.5, ए भी 17.5, एच है 15, तो 17.5 माइनस 17.5 जीरो हो गया, तो एच का रोल ही खत्म हो गया, अंश जीरो तो उत्तर जीरो। दूसरी बार एक्स हो गया 32.5, ए तो सेम ही रहेगा 17.5, 32.5 में से 17.5 घटाओगे तो 15 बचेगा, और 15 में 15 का भाग दोगे एक आएगा। दूसरी बार 47.5, ए कितना है हमारा, ए 17.5 है, पहले एक्स को हमने ए माना है, तो 47.5 में से 17.5 घटाएंगे 30 बचेगा, और 30 में एच कितना है 15 का भाग देंगे तो 2 आएगा, यही वैल्यू आएगी। करना है नहीं कैलकुलेशन कब, ये ध्यान रखना, आप इनमें से किसी और को मानते हो तो यहां क्या आता है वो मुझे नहीं पता, हर सवाल में अलग अलग आएगा, बट 101% कह रहा हूं यदि आप पहले एक्स को ए मानते हो तो यही वैल्यू आएगी। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में गलती होने के चांस 0% है। फिर यहां एफ को यू से गुणा करना, एफ आपको दिया गया, एफ आई कह दो, एफ ही कह दो, इसको ए लो, एफ आपको दिया गया और यू आपने निकाल लिया। आप देखो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 आया तो इसको इससे गुणा करना भी आसान हो गया, यदि यहां पॉइंटों में वैल्यू आती कुछ और आता तो गुणा करते वक्त आप कोई ना कोई गलती कर देते, गुणा करते वक्त गलती नहीं होती तो उनको जोड़ते वक्त कोई ना कोई गलती हो जाती, तो वहां मार्क्स तो गए, मेहनत भी की है, आप खुश होकर आते घर पे, हाँ मेरा पूरा सवाल सही गया है, फिर मार्क्स नहीं आते, रीजन क्या रहता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती, पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मैंने बताया। तो 6 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आया, जो गुणा करना कितना आसान है, 20 एकम 20, बहुत सरल है, 44 दुना 88 जोरी नहीं आ रहा गुणा करने, 26 78 और ये लो सब 4 3 12 और 5 1 5 1 2 3 4 5 6 आ जाइए। यहां लिखेंगे सिग्मा एफ यू, एफ और यू को गुणा करने पर आए, उन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा का मतलब इसके अंदर लिखी गई सभी संगत राशियों का जोड़ होना है, यहाँ 5 है एफ यू तो 5 का जोड़ है, 7 है तो 7 का जोड़, इसके बारे में डिटेल से भी बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप इधर देखिए इनको, ये हमारे पास होगा 8 8 16 2 8 और 5 23 असल का 2, ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 12 और 19 20, 203 आ गया एफ यू का, बारंबार तो योग करना ही है, वो आ गया 100, सबको जोड़ दिया 100 आ गया। अब आइए दूसरे बिंदु, दूसरा बिंदु रहता है हमारा सूत्र, सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, यहां पर माध्य गौर करें, माध्य x बार इज इक्वल a प्लस
यहां पर हम कैपिटल ए के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, स्मॉल ए का वैल्यू है ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, और सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र रहेगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र रहेगा, गौर से देखें आप। और तीसरा पॉइंट है हमारा गणना, तो लीजिए स्टूडेंट गणना की बात करते हैं। माध्य x बार बराबर a, आइए हम ये रहा साहब 17.5 कहां से लिया, पहले x को लिया, h भी साथ ही देख लो, ये बड़ा वाले पास h 15 f u, ये बड़ा f u, सिग्मा f u 203 और सिग्मा f कितना बड़ा है 100। ये मैंने चारों वैल्यू पे सर्कल बना दिया है, a h सिग्मा f और f u, वहां सूत्र में वैल्यू रख रहा हूं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए था 17.5 प्लस, मैंने फिर कह रहा हूं मैं आपको, ये प्लस की सिद्ध में बट्टे की लाइन आनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए वरना गलत हो जाएगा। एफ यू था 203, सिग्मा एफ था 100, एस था 15, आने दो माध्य एक्स बार, 6 नंबर का सवाल है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से गौर से देखें, समझे, कोई डाउट हो तो पूछें, इसको गुणा कर लेंगे, 15 45 हासिल की 4 और ये 4 रह जाएगा, 15 2 30 ये आ गया 3045, नीचे भाग लगना 100 का, आप अच्छी तरह जानते हो स्टूडेंट्स की 100 का भाग लगता है तो 2 अंकों पर दशमलव लगा दिया जाता है, तो 30.45 हो गया इसका मान। दोनों रिजल्ट को, दोनों वैल्यू को मैं जब प्लस करूंगा तो वैल्यू आएगा 47.95। अब हम इसका लिखेंगे चौथा बिंदु, जिसको अपन रिजल्ट बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं, वो लिखा जाएगा और भाषा वही रहेगी सेम, अतः दिए गए बंटन का माध्य, बंटन का माध्य x बार बराबर 47.95 है, गौर करें सभी। और एक बार फिर से आप पूरे बोर्ड को चित्र देखिए, मैं एक एक स्टेप पे आपको ले चलता हूं, आ जाइए, हमारा चैप्टर है 17, टॉपिक है माध्य, मीन कक्षा 10 का है और सवाल है वर्गीकृत बंटनों का माध्य ज्ञात कीजिए, कौन सी विधि से करूंगा, मैं पद विचलन से करूंगा, सवाल था, सवाल में इतना वैल्यू यहां तक का पोर्शन है वो सवाल में पेपर में आपको मिलेगा, जिसको एज इट उतारना है, फिर मध्य मान एक्स निकालना है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से, फिर यू निकालना है एक्स माइनस ए अपॉन एच, वो भी मैंने बता दिया आपको, फिर एफ को यू से इंटू करना है, ये तो रहा एफ, ये रहा यू, देखो ये वैल्यू गुणा होगी, देख लो आराम से ये वैल्यू गुणा होगी सर, और यहां लिख दी और सबको जोड़ दिया 203, सभी बारंबारताओं जोड़ दिया 100। पहला जो एक्स होता है, पहला मध्य मान जो होता है उसको हमेशा ए मानना है, प्रत्येक वर्ग के बीच का अंतर होता है उसको एच कहना है। ऊपर दूसरे बिंदु पे आए, सूत्र लिखेंगे आप माध्य ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच, गणना में ये लिखा ए का सारी वैल्यूज उठाकर सारणी से रख दी, गणना किया, जोड़ बाकी गुणा भाग कैलकुलेशन जो भी करना किया, लास्ट में आंसर लिख दिया, ये आपका 6 नंबर का सवाल हो गया। यदि आपकी सारणी सही है 2 नंबर मिलेंगे, आपने सूत्र लिखा है 1 नंबर मिलेगा, और आपने गणना सही की है तो आपको वहां पर 2 यानी 2.5 आपको मार्क्स मिलेगा, और आप लास्ट में उत्तर एक बार सही से लिखा है तो उसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, 2 सारणी 1 सूत्र 3, 3 और 2.5, 5.5 और आधा उसका हो गया गणना का, सॉरी परिणाम का, तो आपके हो गए 6 नंबर। तो स्टूडेंट्स मैं आप को ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि मैंने मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यिका और बहुलक
तीनों टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछिए और दोबारा से इसको क्लियर कीजिए। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इसको 6 नंबर का टॉपिक है, अच्छे से ढंग से तैयार कीजिए। जो सवाल आपको आ चुके हैं अपनी किताब में से, वो सारे सवाल आपको फेयर कॉपी में करने हैं। ये आपका होमवर्क है और इसे तैयार करना है। नेक्स्ट अपन वो जल्द ही एक टेस्ट अरेंज करने वाले हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो, और कब होगा नेक्स्ट वीक में मान के चलें तो उसकी तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।